नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों की कड़ी में जिस त्योहार के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वह है वर लक्ष्मी व्रत। इस वीडियो में आज हम वर लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आपको बताएंगे। वर लक्ष्मी की पूजा में कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पहले हम वो जान लेते हैं। तो इस सूची में वे सभी सामग्रियाँ शामिल हैं जिन्हें आपको वर लक्ष्मी पूजन के लिए एकत्रित करना है। देवी वर लक्ष्मी की प्रतिमा, फूलों की माला, नारियल, कुंदन, छोटी घंटी, दीपक, अक्षत, चंदन, हल्दी, विभूति, शीशा, कंघी, भोग, तेल, दिया, आम्र पल्लव, पान के पत्ते, पंचामृत, दूध, दही, केला, मौली, धूप, धुनी और कपूर। अब बात करते हैं वर लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो इस विधि के अनुसार उपासक को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि संपन्न करना है। इसके पश्चात पूजा स्थल के शुद्धिकरण के लिए उस स्थान पर गंगा जल छिड़कना है। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लेते हुए देवी की प्रतिमा को नए वस्त्रों, आभूषण इत्यादि से सुसज्जित करना है। ऐसा करने के बाद एक चौकी पर गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करना है। अब उनके सामने एक कलश पर चंदन लगाकर उसे स्थापित करें और एक नारियल पर हल्दी कुमकुम लगाकर उसे उस कलश पर रखें। इसके बाद आम्र पल्लव, दूर्वा, अक्षत, फल, फूल, धूप, धुनी इत्यादि से माता की पूजा संपन्न करें। देवी की प्रतिमा के सामने दिया जलाएं और वर लक्ष्मी की कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात सभी को माता के प्रसाद का वितरण कर इस व्रत का पारण करें। इस दिन आप निराहार रहकर इस व्रत का पालन करें और रात्रि में आरती के पश्चात फलाहार ग्रहण करें। हमें आशा है वर लक्ष्मी का आपका व्रत फलीभूत हो और देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आपको वर लक्ष्मी व्रत की विधि से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और भी जानकारियां पाने के लिए श्री मंदिर के साथ जुड़े रहें।